मीडिया में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने विक्की कौशल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी ने भी विक्की कौशल के रियल टैलेंट को नहीं पहचाना। एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने कहा कि कामयाबी हासिल करने के बाद भी विक्की जरा भी नहीं बदले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक कोई भी फिल्म मेकर विक्की से वैसा काम नहीं करवा सका है जो वो आसानी से अपनी काबिलियत के दम पर डिलीवर कर सकते हैं। अनुराग कश्यप ने आगे कहा, वो आज भी वैसे ही हैं, सीधे सादे और काम के प्रति ईमानदार। वो हमेशा से मेहनती रहे हैं। कभी कभी शूटिंग के बीच में हम उन्हें कह देते थे कि विक्की डांस करके दिखा, वो डांस करके दिखाते भी थे और हम सबका मनोरंजन करते थे। आज उन्हें डांस करने के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई उनका टैलेंट पहचान नहीं सका। किसी ने अब तक उन्हें प्रॉपर एक्शन रोल के लिए कास्ट नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि एक्शन फिल्म के लिए उनसे बेहतर कोई भी है। वे स्टंटमैन श्याम कौशल के बेटे हैं, वो तो बचपन से एक्शन करते आ रहे हैं। दरअसल विक्की कौशल ने अनुराग कश्यप के साथ फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। मजेदार बात यह है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान विक्की कौशल को पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। दरअसल टीम ने फिल्म के लिए बिना परमिशन कुछ सीन्स की शूटिंग की थी। इसी दौरान गैरकानूनी तौर पर चल रही सैंड माइनिंग की शूटिंग करने की वजह से विक्की कौशल को पुलिस ने अरेस्ट किया था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद भी विक्की कौशल ने अनुराग कश्यप की फिल्मों रमन राघव 2.0 और मनमर्जियों में काम किया था। बीते दिन विक्की ने अनुराग कश्यप की फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत में भी साथ काम किया था। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।